हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल टेल यू दैट हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सो सपोज दैट आई टेक अ डिजिट 19 एंड आई वांट टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। सो हाउ आई कैन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आई डू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जो 19 है, अब 19 के आसपास का कोई आप स्क्वायर ले लीजिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर बताया था कि स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का, बट तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा। और 19 के आसपास का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हो जाएगा 16। एंड 16 में कितना प्लस करें, सो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, 19 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, 16 इज़ अ स्क्वायर नंबर। सो हम 16 ले रहे हैं, आसपास का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। एंड 16 में कितने प्लस करें कि 19 आ जाए, तो प्लस 3, अगर हम प्लस 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा ना। तो अब हम नीचे ये ट्रिक है एक, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 16 के नीचे 4 लिख दिया, प्लस का प्लस, 3 का जो ऊपर वाली डिजिट है उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब अपॉन करेंगे अब 4 का दुगना यानी कि डबल ऑफ 4, तो डबल ऑफ 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 18 into 4 is equal to 32 एंड 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। सो वी कैन राइट 35 अपॉन 8 एंड नाउ इफ वी सॉल्व इट, सो द आंसर इज 4.37 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द जो 19 का स्क्वायर रूट हुआ, यानी कि 19 किसका स्क्वायर है, 4.37 का स्क्वायर है। एंड नाउ लेट्स टेक ऑन अनदर एग्जांपल टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो नाउ आई टेक द डिजिट, नाउ आई टेक द डिजिट 28, आई वांट टू फाइंड 28 स्क्वायर रूट। नाउ हाउ आई कैन सॉल्व इट, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 28 को कैसे कर सकते, इसके आसपास का कोई स्क्वायर ले लेंगे, तो 25 इज़ द स्क्वायर, 28 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 28 के आसपास का ले सकते हैं, तो 25 हो गया। फिर 25 में हम कितना प्लस करेंगे कि 28 हो जाए, तो 3 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा ना। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया, अकाउंट में करेंगे तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नाउ वी मल्टीप्लाई इट, सो इसका हो जाएगा 53 अपॉन में 10 रहेगा, फिर इसका आंसर जो आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 5.3। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इस वीडियो में हमने कितनी ईजी ट्रिक से सॉल्व करना सीख लिया है, और आप किसी भी डिजिट का कर सकते हैं, जी हाँ, किसी भी डिजिट को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत ही इजी ट्रिक से। सो इसके लिए आपको बस इतना करना है कि 1 से 10 तक स्क्वायर आपको लर्न कर लेने हैं, और मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दी हुई है आपको।